अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रहमताबाद टीवी चैनल। मैं हूं आपके सामने नूरी भाई, एडिटर इन चीफ रहमताबाद टीवी चैनल। आइए 14 मई 2021 के खबरनामे में आपका खैर मुकदम है। रियासत तेलंगाना में खामोशी के साथ ईद उल फितर गुजर गई। तेलंगाना बिलखसूस दारुल हुकूमत हैदराबाद में आज ईद उल फितर खामोशी के साथ गुजर गई और ईद के मौके पर कोई गुमा घुमी या खुशियों का माहौल नहीं देखा गया। कोविड कवायद और लॉकडाउन के बायस ईदगाहों में नमाज ईद उल फितर की अदायगी की इजाज़त नहीं थी। शहर और अजला में महदूद तादाद में फजर के बाद मस्जिद में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई, जबकि अवाम की अक्सरियत घरों में जिक्र असकार अस्तगफार और दुरूद शरीफ के महाफिल अफराद ख़ानदान के साथ मनक़द करते हुए नमाज शुक्राना अदा किया। कोरोना वायरस के खात्मे के लिए दुआएं की गईं। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान ईद उल फितर इंतहाई मोहताज अंदाज में मनाई गई और शहरियों ने अपने घरों में नमाज ईद या शुक्राना अदा करने पर इक्तफा किया।